हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं। अभी जो है कल हमने टेस्ट सीरीज के लिए अनाउंसमेंट किया था। 8 तारीख को जो है वो आपका फुल मॉक टेस्ट होगा। जो 8 तारीख को फुल मॉक टेस्ट है उसमें कई बच्चों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो रहा था कि हम कैसे इस टेस्ट को देंगे और हम कहाँ पे जाएंगे, कौन सा एप्लीकेशन है। कल के वीडियो में मैंने आप लोगों को बोला भी था कि आप लोग अपना नंबर शेयर कर दीजिए तो उस नंबर को हम लोग ऐड कर देंगे। बट हमारे नंबर के ऐड करने मात्र से ही जो आपका पेपर नहीं हो पाएगा, आपको भी कुछ करना होगा। अब आपको क्या करना होगा उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये वीडियो प्योरली केवल आपका एप्लीकेशन पे हम किस तरीके से पेपर करेंगे उसको लेकर के है। तो आप इस पे जो है वो बहुत ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से उसको देखिएगा। मैं स्टेप बाय स्टेप जो है आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आपको कहाँ जाना है और कैसे आप ये पेपर करेंगे। सबसे पहले तो अ वेरी वॉर्म वेलकम टू श्री समृद्धि क्लासेस। बहुत आपका अच्छा अच्छा प्यारा प्यारा आपका स्वागत है हमारे श्री समृद्धि क्लासेस में। सबसे पहले आप अपना मोबाइल फ़ोन लेंगे। मोबाइल फ़ोन के आप प्ले स्टोर में जाएंगे। हर मोबाइल फ़ोन के अंदर, अच्छा दूसरी बात यह है, जो ये टेस्ट सीरीज़ है ये एंड्रॉयड एप्लीकेशन के ऊपर है, ठीक है ना। अगर आपके पास ओएस है, अगर आप एप्पल का फ़ोन यूज़ करते हैं तो ये नहीं चलेगा। अगर किसी के पास ओएस होगा तो आप मुझे अलग से जो है कॉल करके या मैसेज करके जो है आप एक बार कांटेक्ट कीजिएगा, हम आपको दूसरा तरीका बताएंगे। ये एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे चलेगा। एंड्रॉयड फ़ोन कोई से भी में आप प्ले स्टोर पे जाएंगे, गूगल प्ले स्टोर, सारे जो है वो आपके फ़ोन के अंदर होता है, इनबिल्ड होता है। इस प्ले स्टोर में जाएंगे। प्ले स्टोर में जाने के बाद आप यहाँ पे ASTITVA, ASTITVA आप अस्तित्व जो है वो टाइप करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पे अस्तित्व टाइप करेंगे आपके सामने ये अस्तित्व नाम से जो है काफी कुछ, चूंकि ये मैंने मेरे फोन में किया था तो मेरे फोन में ऑलरेडी मैं काफी काम करते रहती हूँ। हमारा कोचिंग सेंटर है, मेल आईडी है, तो ये काफी कुछ शो कर रहा है। बट आपके फोन में अस्तित्व से रिलेटेड जितनी चीजें होंगी वो आएंगी। तो ये हमें अस्तित्व लिखते ही ये अस्तित्व दिखेगा आपको। ब्लैक कलर के लोगों के अंदर जो है आपको कुछ बैकग्राउंड दिखेगा। आप क्या करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। क्लिक करने के बाद जो है ये आपका, ये हमारा लोगो है अस्तित्व का जिसपे आपको पेपर करना है। ये लोगो खुलेगा, ये अस्तित्व लिखा हुआ है और यहाँ पे आपका जो इंस्टॉल के लिए यहाँ पे मांगेगा। चूंकि मेरे फोन में ये ऑलरेडी इंस्टॉल है इस वजह से मेरे पास अनइंस्टॉल दिख रहा है, ओपन करने के लिए बोल रहा है। आप जब न्यू यूजर हैं, नया अगर आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पे इंस्टॉल करने का आपसे ऑप्शन मांगेगा। आप इंस्टॉल पे क्लिक कीजिएगा। इंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद जैसे ही आपका ये एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाएगा आपके फोन के अंदर, आपके पास ये पूरा लोगो जो है वो स्क्रीन पे नजर आएगा, ठीक है। इंस्टॉल होते ही लोगो पूरा का पूरा आपके स्क्रीन पे नजर आएगा। उसके बाद लोगो थोड़ी देर के लिए, कुछ सेकंड के लिए जो है ये आपका लोगो होगा, देन ऑटोमेटिक जो है स्क्रीन आपकी चेंज हो जाएगी और आपके स्क्रीन पे ये चीजें आने लगेंगी, ठीक है। अब दो चीजें होंगी, जिन्होंने हमारे पास अपने नंबर भेज दिए हैं और अगर हमने उनको बैच में ऐड कर दिया है, अगर बैच में ऐड कर दिया है तो उनके सामने दो बैच नजर आएंगे। एक तो लाइब्रेरियन RSM SSB नजर आएगा और एक लाइब्रेरी साइंस। दो बैचेस हैं एक्चुअली। अब मेरे पास तो ये नहीं थे, ये यहाँ नहीं दिख रहा है, बट आपके पास हमने दो बैच बना रखा है, RSM SSB लाइब्रेरी और लाइब्रेरी साइंस। आपको ये दो बैच नजर आएंगे, ठीक है। अब ये जो दो बैच आपको नजर आ रहे हैं इन पे किसी पे भी आप एक पे क्लिक करेंगे। से अगर हमने यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद जो है देखिए जो आपके पास पेज खुलता है, जैसे लाइब्रेरियन RSM SSB आया हुआ है। अब इसके अंदर ये टाइमिंग पे मत जाइएगा बिकॉज ये रैंडम टाइमिंग फीड किया जाता है। बैच कोड से आपको कोई लेना देना नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हमने आपको ऐड कर रखा है। यहाँ पे कुछ टर्म्स आते हैं, ओवरव्यू, अटेंडेंस, होमवर्क। इसको और आप ऐसे फिंगर से स्क्रोल कीजिए, ठीक है। आप इसको स्क्रोल करेंगे तो इसी के आगे आपका जो है टेस्ट आएगा, अनाउंसमेंट आएगा। मैं देखती हूँ आगे शायद ये होगा। यस बिल्कुल, ओवरव्यू था, अटेंडेंस था, उसके बाद जो है आपका अनाउंसमेंट है। अनाउंसमेंट की खासियत मैं आपको बताऊं, अनाउंसमेंट पे जब क्लिक करोगे तो
तो क्लिक करने के बाद जितने भी पीडीएफ हमने डाल रखे हैं अभी तक के जितने टेस्ट हो चुके हैं वो सारे पीडीएफ जो है आपको यहाँ पे पूरे के पूरे उसके लिंक शो हो जाएगी। आप उस पर क्लिक करेंगे, पीडीएफ आपके फ़ोन में ओपन हो जाएगा। ठीक है ना, अनाउंसमेंट के अंदर है ये। टेस्ट के अंदर जाएंगे हम लोग, टेस्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो अभी आज संडे है, बुधवार को जो है जो रेगुलर टेस्ट है वो आपका 10 बजे अपलोड होगा। आप लोग बुधवार को जितने भी बच्चे मॉक टेस्ट में भी ज्वाइन कर रहे हो आप प्रैक्टिस के लिए बुधवार वाला पेपर ज़रूर करना, ताकि अगर उसमें कोई एरर है उसको वापस सैटरडे वाले पेपर में सुधार लेना, और उसमें भी कोई एरर आए तो आप उसको संभल जाइएगा और संडे का पेपर आप बेहतरीन कीजिएगा। ठीक है ना, आप इस पर क्लिक करेंगे, ये पेपर आपका आया हुआ है। जैसे ये रिसर्च एप्टीट्यूड पेपर है आपका, लाइब्रेरी साइंस पेपर नंबर 37 मेरे ख्याल से आएगा या 36 आएगा, ऐसे करके आएगा। यहाँ पे टाइम दे देता है, जैसे ये स्क्रीनशॉट जिस दिन का लिया हुआ है 4 मई का लिया हुआ था तो ये ओल्ड है, बट आपका यहाँ पे टाइम आ जाएगा। ठीक है ना, बुधवार को जो भी डेट होगी कौन से टाइम पे अपलोड हुआ और कौन से टाइम तक कौन सी डेट तक ये चलेगा यहाँ पे ये शो होता है। अब हम इसको कैसे करेंगे, ऑनलाइन मेथड में है तो ये आपका यहाँ पे ऑनलाइन लिखा हुआ आता है। ठीक है ना, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो ये आपका बैच था, अब इसमें शो कर देता है कितने क्वेश्चंस हैं। जैसे आपके 50 क्वेश्चंस आते हैं तो यहाँ पे लिखा होगा 50 क्वेश्चंस, कितने मिनट का या कितने देर का टाइम है, तो यहाँ पे हम आपको जो 50 क्वेश्चंस का टाइम जो असाइन करते हैं दैट इज 60 मिनट्स, यानी कि 1 घंटा यहाँ पे लिखा होगा। अब यहाँ पे जो है पूरा का पूरा इंस्ट्रक्शन, अगर कोई इंस्ट्रक्शन हमारे साइड से होगा तो ये यहाँ पे लिखा होगा, कोई इंस्ट्रक्शन हम देते नहीं है नॉर्मली, आप लोग बहुत समझदार हैं, लाइब्रेरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड हैं तो टेक्निकल काफ़ी कुछ आप जानते हैं, तो आप लोगों को इतना ज़्यादा गाइड करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं होती है, तो इंस्ट्रक्शंस हमारी तरफ से कुछ भी नहीं है। अब ये सारी चीज़ें आपके सामने आ गई, आपको क्या करना है, अटेम्प्ट टेस्ट पे क्लिक करना है। ठीक है, अटेम्प्ट टेस्ट पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने टेस्ट ओपन हो गया। ठीक है, यहाँ पे ऊपर 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, ऐसे करके 50 नंबर तक आपका जो है, आप चाहो तो सीधा यहाँ 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 क्लिक करके भी वन बाई वन एक एक क्वेश्चन पे आप जा सकते हैं। अदरवाइज जैसे पहला क्वेश्चन खुल गया, शोध किया जाता है, अब ये क्वेश्चन है आपके चारों ऑप्शन हैं, आप देखो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, जो भी ऑप्शन सही है आप उस पर क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे या तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं आप, या यहाँ पे सीधा सीधा सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे अपन आ सकते हैं। नेक्स्ट जाते हैं हम लोग, तो अब जैसे मान लो मैंने क्लिक कर दिया, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट था, मैंने क्लिक कर दिया तो ये इस तरीके से कलर्ड हाइलाइटेड आ जाता है। ठीक है ना, जैसे ही मैंने मार्क किया वैसे ही ये क्या होता है, हाइलाइटेड हो जाता है। नेक्स्ट हम दूसरे नंबर पे क्लिक करते हैं, अगेन दूसरे नंबर का क्वेश्चन हमारे पास आया, हमने क्या किया, मार्क किया ये वाला आंसर। ऐसे ही रैंडमली हम चलते रहते हैं, तीसरे नंबर पर आते हैं, तीसरे नंबर पर हमने चौथे ऑप्शन को मार्क किया, देन अगेन चौथे नंबर क्वेश्चन पे आए, पांचवें नंबर क्वेश्चन पे आए। ठीक है, अब हमने ये सारे पेपर कर लीजिए, मान लीजिए अभी जो मैं आपको डिस्प्ले कर रही हूँ उसमें 5 ही पेपर थे केवल, लेकिन आपके पास जो अभी बुधवार वाला पेपर है और शनिवार वाला उसमें 50 होंगे, संडे वाले पेपर में 150 होंगे। जब हम ये पूरा कर लेते हैं कंप्लीट, जैसे ही आप 150 पे पहुंचेंगे या 50 नंबर क्वेश्चन पे पहुंचेंगे, जब आप इसको फाइनल करने के बाद जब आप यहाँ से नेक्स्ट पे जाएंगे, अगर आगे का कोई क्वेश्चन है तो नेक्स्ट आपका जो है ये ब्लू होगा, ये जो नेक्स्ट लिखा हुआ है ना यहाँ पे ये ब्लू कलर से आएगा, यहाँ पे ब्लैक हो गया, दैट मीन्स इसके आगे कोई भी क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, इसके आगे कोई भी क्वेश्चन नहीं है। अब आपका यहाँ पे सबमिट वाला बटन जो है ये एक्टिव हो गया, हम क्या करेंगे यहाँ से सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने सबमिट पे क्लिक किया ये पूछता है आर यू श्योर टू वांट टू एंड द टेस्ट, यानी कि क्या आप श्योर हैं कि समय अभी बचा हुआ है और आप इस टेस्ट को एंड करना चाहते हैं। टोटल क्वेश्चन 5 थे, क्वेश्चन का आंसर आपने 5 दिया, आप क्या करना चाहते हैं, अगर श्योर हैं तब तो आप सबमिट कीजिए, अगर आपको लगता है कि नहीं वापस से मेरे को रिव्यू करना है तो आप सीधा बैक बटन दबा दीजिए, तो आप पेपर पे ही वापस चले जाएंगे, और कुछ एक आध क्वेश्चन अगर और आपको करना है तो आप उसको कर सकते हैं। सीमा आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, आप इसको कर सकते हैं। अब हमारा पूरा का पूरा सही है, हम क्या करेंगे,
सबमिट बटन को प्रेस करेंगे। जैसे ही हम सबमिट बटन को प्रेस करते हैं हमारे सामने ये आ जाता है, दिस इज वेरीफाइड, यस ओके, आपका जो टेस्ट है वो अच्छे से सक्सेसफुली हो गया है, आपका स्कोर जो है 10 में से 2 नंबर आया है, नॉट गुड, ओके। इसके लिए आपने टाइम कितना लिया था, 1 मिनट 24 सेकंड लिया था, पूरा आपके पास आ जाएगा स्कोर। 2 करेक्ट आंसर आपने दिए थे, 3 इनकरेक्ट दिए थे और 0 अनआंसर्ड क्वेश्चन थे, ठीक है। 2 के आंसर दे दिए थे, 3 इनकरेक्ट दिए थे और एक भी आपने कोई ऐसा नहीं था जिसको आपने पढ़ा नहीं था। अब ये जब आपका पूरा का पूरा जब एनालिसिस आपके सामने आपके टेस्ट पेपर का आ गया, यहीं से आप चेक सॉल्यूशन, जो क्वेश्चंस आपने करे हैं उन क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर क्या होगा, ठीक है, उन क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा ये आप यहीं से देख सकते हैं। आपको हमारे पास मैसेज करने की या कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप चेक सॉल्यूशन पे क्लिक कीजिए। चेक सॉल्यूशन पे क्लिक करेंगे तो आप फिर से वो क्वेश्चन वाले पेज पे पहुंच जाएंगे जहां पे क्वेश्चन लिखा हुआ था। अब क्वेश्चन ऊपर लिखा हुआ है, ये स्क्रोल है ऑलरेडी, ये इसका ऑप्शन था। अब हम यहाँ पे सॉल्यूशन चूंकि चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे जैसे पहले नंबर का क्वेश्चन का जो आंसर था वो मैंने जो है वो 1 किया था, ऑप्शन 1 को किया था, जबकि उसका सही आंसर क्या है 4 है, यानी कि गलत मेरा हो गया तो 1 नंबर मेरे कट गए। और यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन जो है अनरीड हैं या गलत हैं आप देखेंगे कि जब हम रिव्यू करते हैं वो रेड कलर से शो होते हैं और जो भी हमारे सही होते हैं वो क्या होते हैं ग्रीन कलर से शो होते हैं। तो ये मेरा गलत हो गया, वापस मैं नेक्स्ट पे जाऊंगी। नेक्स्ट पे अगेन मान लो 5 नंबर का क्वेश्चन है, अब 5 नंबर के क्वेश्चन में मैंने भी 1 किया हुआ था और आई डोंट नो ये सही था या गलत था क्योंकि 4th नंबर जो है वो नीचे स्क्रोल हो गया है। तो इस तरीके से हम लोग इसको देखते हैं, ठीक है। अब ये पूरा करने के बाद आपने पूरा रिव्यू भी ले लिया, आपने देख लिया कितने सही करे कितने गलत करे, जो गलत करे उनके करेक्ट आंसर क्या हैं, सब कुछ देखने के बाद जब आप वापस फाइनल में जाते हो, जब लास्ट क्वेश्चन हो जाता है और जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो एप्लीकेशन आपसे पूछता है एग्जिट, यानी कि क्या आप बाहर निकलना चाहते हैं। यू कैन रिव्यू द टेस्ट सॉल्यूशंस फ्रॉम द रिपोर्ट सेक्शन ऑफ द एप्लीकेशन एनी टाइम लेटर। आप एप्लीकेशन सेक्शन में रिपोर्ट के अंदर जाकर के कभी भी रिव्यू कर सकते हैं। ये लिखा हुआ है, ये पहले हम लोग जो है वो देते थे बच्चों को, बट अभी आपके वाले पार्ट में ये चीज नहीं आती है, ये रिपोर्ट हमारे पास आती है, ठीक है। हमारे पास रिपोर्ट आती है और टेस्ट का एनालिसिस, जैसे कि पहले भी मैंने आप लोगों के टेस्ट का एनालिसिस किया हुआ है, मैं जो है उस टेस्ट का एनालिसिस करती हूँ कि हमारे टॉप 50 स्कोरर्स कौन हैं, टॉप 25 कौन है, टॉप 10 कौन है, कितना स्कोर है, क्या परसेंटाइल है, क्या रैंकिंग है, एवरीथिंग। अब इसको करने के बाद सीधा अपने को क्या करना है, यस करना है। यस करते हैं तो हम वापस अपने इस पेज पे आ जाते हैं, कौन से पेज पे, जो हमारा होम पेज के बाद वाला जो ये हमारे कीवर्ड्स वाला पेज है, ठीक है। हम इस पेज पे वापस आ जाते हैं। एक बार आपने टेस्ट अटेम्प्ट कर लिया, वापस अगर आप यहाँ पे क्लिक करना चाहेंगे तो ये टेस्ट अटेम्प्ट नहीं होगा, ठीक है। एक चीज और बता दूं, वापस से आपको टेस्ट का पूरा प्रोसीजर हमने बता दिया। यहाँ पे वीडियो का लिंक है, आप अगर क्लिक करेंगे तो कुछ वीडियो लिंक जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो हमने यहाँ पे डाल रखा है। वैसे तो श्री समृद्धि क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे मुझे लगता है कि जितने भी वीडियोस हमने डाले हैं वो सारे के सारे वीडियो आपके अपने कोर्स के लिए, आपके लाइब्रेरी के लिए वो हर तरीके से यूजफुल है। उसमें कोई भी ऐसा वीडियो नहीं है जो आपकी हेल्प नहीं करता है या आपके लिए लाभदायक नहीं है, वो सारे के सारे आपके लिए बिल्कुल हेल्पफुल वीडियोस हैं। तो आप वहां देख रहे हैं तो वेल एंड गुड, अगर कुछ कहीं ऐसा दिखता है कि वो कंटेंट बहुत अच्छा है, वीडियो बहुत अच्छा है और आपको हेल्प कर सकता है आपके कोर्स में, हम उसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो आप चाहें तो एप्लीकेशन में भी उस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि एप्लीकेशन के अंदर जब हम वीडियो को देखते हैं तो उसकी क्वालिटी अगर हम देखें, उसको देखने के लिए बहुत ज़्यादा डेटा आपको ज़रूरत बहुत ज़्यादा डेटा जो है वो खर्च नहीं करना पड़ता है, ठीक है। कम डेटा भी आपके पास है तो आप इसको देख सकते हैं। अनाउंसमेंट के अंदर आप ऑलरेडी जितने भी PDF हमारे पड़े हुए हैं वो देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल सकते हैं और आपको प्रिंट आउट निकाल करके रखना
चाहिए, क्योंकि हमने एक एक पेपर का जो है वो सॉल्यूशन स्टार्ट करवा दिया है ना। एक एक पेपर का हमने सॉल्यूशन स्टार्ट करवा दिया है, तो वो सॉल्यूशन आपको देखने के लिए, जैसे ही आप देखते हैं सर या मैम कोई भी अगर आपको सॉल्व करा रहा है, तो उसका सॉल्यूशन आप तभी कर पाएंगे जब आपके खुद के हाथ में जो है वो पेपर हो। ठीक है, तो पेपर का प्रिंट आउट आप निकाल करके रखिए, एक अच्छी फाइल बनाइए, फाइल के अंदर आप उसको करते जाइए, आप खुद के अपने टेस्ट पेपर बनाते जाइए। मैं आपको दावे से कह सकती हूँ कि मार्केट से जो आप लोग बुक वगैरह खरीदते हैं, टेस्ट बुकलेट बुकलेट सब खरीदते हैं ना, आज 35 पेपर तो हमने ही करा दिए, और हर पेपर में 50 क्वेश्चन रहे हैं, और जिस समय एग्जाम की डेट आपकी आई थी जून में, बिल्कुल फिक्स ही हो गया था कि 7 जुलाई को एग्जाम होगा, उस समय पे हमने 100 100 क्वेश्चन कराना चालू कर दिया था, तो कुछ पेपर तो 100 100 क्वेश्चन के भी गए हुए हैं। आप उनको भी रखेंगे, और उतना अगर आप क्लियर कर लेते हैं विथ आंसर विथ एक्सप्लेनेशन, तो मुझे लगता है कि अगर आप घर में भी बैठे हैं, आप सक्षम नहीं हैं कहीं पे भी कोचिंग ज्वाइन करने के लिए, कहीं पे भी अपने घर को छोड़ करके मूव करने के लिए पढ़ाई के लिए, तो अगर आप ये भी कार्य करते हैं तो विदाउट एनी कॉस्ट, कहीं पे जाए बिना, कहीं पे 1 रुपया खर्च किए बिना, कुछ भी आपका एफर्ट, चाहे फिजिकल चाहे मॉनिटरली चाहे पैसे से चाहे आप मेहनत से, कहीं पे भी आपको कुछ भी नहीं है, आप घर बैठे बैठे मुझे लगता है कि तैयारी करने का सबसे बेस्ट तरीका आपके लिए ये हो सकता है, और ये आपको हेल्प करेगा, कहीं ना कहीं करेगा, ये आपका बेकार नहीं जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारी अपेक्षाएं मैं आपसे रखती हूँ। जिन्होंने अभी कॉन्टैक्ट नंबर सेंड नहीं किया है वो मुझे 8003180 30, ये वीडियो जो आपका चल रहा है इस पे, यहाँ पे ये नंबर आपका डिस्प्ले हो रहा है, इस नंबर पे जो है आप अपना नाम और नंबर, जिस नंबर से आपको एप्लीकेशन चलाना है, अगर डाउनलोड कर लिया है एप्लीकेशन तो बहुत अच्छी बात है, आप वो नंबर मुझे भेजिए, और अगर नंबर भेज दिया है हमने ऐड कर लिया है, आप जब भी डाउनलोड करेंगे आपके पास ऑटोमेटिक ये बैच दिखेगा। जो केवल डाउनलोड कर लेंगे और नंबर हमारे पास नहीं भेजेंगे, हम आपको अगर इस बैच में ऐड नहीं करेंगे तो आपको ये बैच नहीं दिखेगा। तो या तो आप डाउनलोड करके नंबर हमें ऐड करने के लिए भेजिए, या हमें भेज दिया है हमने ऐड कर लिया, आप इसको डाउनलोड कीजिए, आप ऑटोमेटिक उस बैच में पहुंच जाएंगे। तो आप ये काम कीजिए, प्रिपरेशन कीजिए। वेंसडे को पेपर जो है 10 बजे अपलोड होगा, 50 क्वेश्चन वाला रेगुलर जो पेपर हम लोग कराते हैं, आप उस पेपर को कीजिए। बुधवार सुबह 10 बजे अपलोड होगा, बृहस्पतिवार 10 बजे तक कर सकते हैं। शनिवार वाला पेपर शनिवार को 10 बजे अपलोड होगा, और रविवार को 10 बजे तक कर सकते हैं, क्योंकि रविवार का शेड्यूल जो है वो शनिवार और रविवार, रविवार को हम 10 बजे तक का शेड्यूल रखते हैं, इसलिए हमने ये डिसाइड किया है कि जो हमारा पेपर, जो मॉक टेस्ट पेपर होने वाला है, इस पेपर का टाइमिंग हम 11 से 2 रखेंगे, क्योंकि संडे का दिन है उस दिन, तो मुझे पता है गांव के बच्चों को इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, बिकॉज उनका शेड्यूल इतना हैक्टिक नहीं होता है मॉर्निंग का, लेकिन शहर में और जो बाहर रहते हैं जो जॉब वाले हैं, वो संडे के दिन थोड़े रिलैक्स होते हैं, तो वो हम भी इन सब चीज़ों को कंसीडर करते हैं। मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपने कंफर्ट जोन में रह करके टेस्ट दीजिए। जैसे मेरे पास क्वेरीज आती हैं, बहुत सारी लड़कियां हैं उनको भी इशू है कि मैम सुबह सुबह घर का काम भी होता है, नाश्ता पानी, बच्चे भी हैं, सभी लोगों को ये टेस्ट जो है एक बर्डन नहीं होना चाहिए आप लोगों के लिए, प्रैक्टिस है, तो प्रैक्टिस में जितना खुले दिल से आप लोग आएंगे, इसको खुले दिल से अपनाएंगे, उतनी अच्छी खुशी मिलेगी मुझे। तो खुले दिल से आप लोग कीजिए। जो टेस्ट का टाइम होगा वो 11 से 2 होगा, ठीक है, 2 घंटे का आपका टेस्ट होगा, 11 से 2 का टाइमिंग रहेगा, आप लोग टेस्ट कीजिए, तैयारी कीजिए, और फिर मिलते हैं आपसे आगे चल के, देखते हैं कैसे क्या आप कितना करते हैं, कितने इन्वॉल्व होते हैं। चैनल को, हमारे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए। जितने भी वीडियोस डाले जाते हैं आपको अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर किया कीजिए, ठीक है। वैसे तो बहुत अच्छे बच्चे जो है वो हमसे जुड़े हुए हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हर वीडियो पे कमेंट करते हैं, कमेंट भी जो है कहीं ना कहीं हमें एक इंटरनल एनर्जी देते हैं, एक अंदर से मजबूती देते हैं कि हमें आगे तक काम करना चाहिए। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स इसको पसंद कर रहे हैं। तो आप जो है जब भी आप वीडियो को देखिए, वीडियो को लाइक या कमेंट जरूर किया कीजिए आप। अगर आप कमेंट नहीं कर सकते, कुछ लिखने लायक नहीं है, तो आप सिंपली लाइक कर दीजिए, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि कुछ आपको उस पे गलत सही कुछ भी लिखना है तो आप लिखिए, हम हमेशा उसको रिवर्ट करते हैं, कभी भी किसी कमेंट को खाली नहीं जाने देते हैं। आपके जितने कमेंट आते हैं उतने कमेंट को हम लोग जरूर रिप्लाई करते हैं। अगर मेरे साइड से
कमेंट को रिप्लाई नहीं किया गया, केवल लाइक किया गया, दैट मीन्स उस पर कहने जैसा कुछ है ही नहीं, इस वजह से हमने कुछ भी नहीं लिखा. सो ऑल द बेस्ट टू यू, थैंक्स टू ज्वाइनिंग श्री समृद्धि क्लासेस फॉर ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट सीरीज. गुड लक बच्चों, अच्छे से प्रिपेयर करो, मिलते हैं फिर, बाय बाय.